फिलहाल भाई अभी गाड़ी सीधा किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी को सीधा किया जा रहा है। ओ भाई साहब दोनों टायर फटा एक साथ। चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है भाई, अब साइड लगा लो आराम से, जाओ 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 धीरे धीरे, पहले साइड लगा लो, जाओ जाओ। सर आए तो तुरंत बोले कि भाई जल्दी जल्दी गाड़ी को यहाँ से हटवाना है, हुआ है टायर फटने की वजह से हुआ है। और ये देखो टायर फट गया है, अभी भयंकर एक्सीडेंट हुआ भाई तुरंत हमारे सामने। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई अभी भी अपना सफर कंटिन्यू है, अभी हम पहुंचे नहीं है दीघा, तो अभी हम पहुंचे हैं टाटा जमशेदपुर। तो भाई आज का ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग हो रहा है टाटा जमशेदपुर से। भाई जमशेदपुर मतलब ही भाई टाटा, ठीक है, टाटा की गाड़ियाँ देख सकते हैं, पीछे टाटा गैरेज है, इधर भी टाटा, मतलब हर एक जगह यहाँ पे आपको टाटा का ही गाड़ी नजर आएगा। तो इधर अपना गाड़ी है, हमारे गाड़ी में आम लोडिंग जैसे कि आप लोगों को पता है, सो निकलते हैं फटाफट यहाँ से आगे। अब रास्ते में एक प्रॉब्लम हो गया, ये जो देख रहे हो ना ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो कसने के लिए होता है ये उस चक्के का गिर गया, पता नहीं कहाँ पे, ये देखो ये कहीं पे गिर गया इस चक्के का, अब कहाँ मिलेगा नहीं पता, ऐसे ही जाएंगे बनारस तक, नहीं तो रास्ते में खोल के इसको निकाल देंगे और उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये देखो सही लग रहा है लेकिन उसका लुक पूरा खराब हो चुका है। कोई नहीं, अब निकलते हैं भाई। सीधा जो जिस रोड पे भी हम जा रहे हैं ना ये सीधा चला जाएगा दानकुनी, लेकिन भाई हमें दानकुनी जाना नहीं है। दानकुनी नाम सुन के भाई दिल्ली कोलकाता रोड मत समझना, नहीं भाई कोलकाता बॉम्बे रोड है, ठीक है। तो अभी ये रोड सीधा उड़ीसा भी जा सकते हैं, इससे आप इधर जाओगे पीछे तो आप पहुंच जाओगे बरही, तो आगे से जाओगे अंदर साइड में तो पहुंच जाओगे आप उड़ीसा, पहुंच जाओगे आप दीघा। दीघा तो हमें जाना है भाई। तो फिलहाल अभी सफर में कंटिन्यू है, देख सकते हैं हाईवे पूरा खाली खाली सा है यहाँ पे। इस ब्लॉग कहीं से कंटिन्यू करते हैं, अगर चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करिए, और भाई दीघा का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए। जाने वाला है भाई समुंदर के बगल में और आप लोगों को पूरा घुमाने वाले हैं, काफी आप लोग इस ब्लॉग में एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिलहाल आगे भाई, कंटिन्यू सफर में भी अपना सफर 210-215 किलोमीटर का बचा हुआ। पहुंच चुके हैं रिलायंस पेट्रोल पंप पे, डीजल टैंक करवाना है फुल, क्योंकि वाराणसी मैंने डीजल लिया था। कहाँ लगाए भाई? अच्छा लगा रहे, लगा रहे। आए थे तेल लेने रिलायंस पेट्रोल पंप पे, वो बोल रहा है डेंसिटी अंदर हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इसके पहले ही मैंने रिलायंस पेट्रोल पंप पे तेल भरवाया, ऐसा नहीं होता है भाई, मीटर पे ही बताता है कितना डेंसिटी है, ये भाई बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। इसीलिए भी आगे तेल लेंगे तो आगे कहीं और पेट्रोल पंप पे लेंगे, रिलायंस पे भी फिलहाल नहीं भरवाएंगे। अच्छा बगल में यहाँ पे भारत पेट्रोलियम दिख गया है तो यहाँ पे भरवाएंगे। हाँ भारत पेट्रोलियम का तेल भी बहुत सुपर रहता है भाई। भाई यहाँ पे भी डेंसिटी सही नहीं था, 700 था, तो कम से कम 850 तेल का डेंसिटी होना चाहिए डीजल का, ठीक है। तो यहाँ पे 700 था, यहाँ पे मैंने तेल नहीं लिया, जहाँ पे होता है 800 वहीं पे हम तेल लेते हैं। किसी भी पेट्रोल पंप वाले को हम गलत नहीं बोल रहे, सबका अपना अपना डेंसिटी तेल का गुणवत्ता रखने का ही आ जाता है अपना, हाँ कि भाई हमको इससे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि भाई जहाँ पे डेंसिटी सही होगा हम वहीं तेल लेंगे, बस बात खत्म हो गई। पार्वती पते हर हर महादेव बाबा। फिर से बारिश चालू हो चुका है, एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा क्योंकि भाई बार बार खोलना पड़ रहा, बंद करना पड़ रहा है भाई, हवा वगैरह लगना चाहिए माल में। उधर का बंद हो गया दादा, चलिए चला जाए। अगर व्यू चेक कर रहे हो भाई, ये देखो भाई साहब मस्त वाला मौसम हो चुका है, मस्त भाई, ठंडा ठंडा सा एकदम कूल कूल सा हवा आ रहा है, दीघा की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भाई। तो आ चुके हैं भाई इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, और यहाँ का भाई डेंसिटी एक बार आपको चेक करवाते हैं, 900 भाई, ऐसा कैसे हो गया, समझेगा 850 देखते हैं, पहली बार 900 देखा भाई, ये देखो 900 से ऊपर 900, देखो ये देखो 973 डेंसिटी, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा तेल है। भैया डाल दीजिए,
फिलहाल रुके इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, बारिश भी खतरनाक वाला चालू हो चुका है यहाँ पे। और डेंसिटी देख रहे हो भैया, देखो डेंसिटी। अच्छा ऑलमोस्ट डेंसिटी का ऑप्शन तो होना चाहिए, पीछे दो पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी लगाया था वहाँ पे ना डेंसिटी का ऑप्शन भी नहीं था, मतलब डेंसिटी दिख भी नहीं रहा था। और वो बोल रहा अंदर हाथ से लिखा हुआ, जाके चेक कर लो। तो कोई नहीं, यहाँ का डेंसिटी 973। ये देखो भाई, देख रहे हो इतना खतरनाक डेंसिटी है भाई, हमेशा 850 देखा, पहली बार भाई 973 देख रहा हूँ। भैया भरिए तेल, भरिए फटाफट, बारिश ज़्यादा होने लगा। तो भाई लोग अभी आ रहा है खेत से, खेत का जुताई हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी भाई लोग फोटो वगैरह ले रहा है, बाद में सर्च करके देखेगा, आप लोग का भी आएगा यूट्यूब में, ठीक है? तो ये देख लेना, इस पर BDM ब्लॉग पे मिल जाएगा मेरा, ठीक है? चलिए भाई तेल वगैरह ले लिया है, ये खतरनाक दुर्घटना हो चुका है यहाँ पे, गैस का गाड़ी पलट चुका है भाई, गैस का गाड़ी पलट चुका है यार, बहुत ही खतरनाक चीज है यार, इससे दूर ही रहना भाई। कभी अगर ऐसा कोई आपको केस समझ में, इससे तुरंत दूर हट के रहना और वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं लगाना है, ठीक है? भयंकर हादसा हो गया यहाँ पे। ये जो रोड है ना पूरा खाली खाली मिलेगा आपको, इसके पहले एक बार इधर आए थे तो करेला लोड किया था, बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा, और सोनू भाई भी लोडिंग किए थे बोड़ा, उनको बनाना जाना था, हमको भी बनाना जाना था, और ये माल राजू भाई लोड करवाए थे रानीगंज से। तो देख सकते हैं फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी खाली रोड है भाई, बहुत गाड़ी इधर कम चलता है। ये देखो भाई कल से ही मौसम बनाया हुआ है लेकिन अच्छे से हो नहीं रहा था, अब जाके लग रहा है। भाई यहाँ पे लिखा है संबलपुर 393 किलोमीटर, नागपुर 944 किलोमीटर, और मुंबई देखो भाई मुंबई है 1768। ये देखो तो भाई खतरनाक सीन है यार यहाँ पे भाई, ये क्या यार, ये देख रहे हो भाई, ये देखो भाई जैसे जैसे दिघा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मौसम तो भाई खतरनाक वाला हो चुका है। तो भाई पहुंच चुके हैं गोपी बलरामपुर चौराहा, यहाँ से अभी हमको राइट साइड लेना है, लेफ्ट नहीं भाई राइट साइड। ये भाई गोपी बलरामपुर चौराहा देख सकते हैं, कौन कौन यहाँ से वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करना मेरे भाई। तो गोपी बलरामपुर में एक सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे भाई, बढ़िया है ना? बढ़िया बढ़िया। तो चलिए भाई के साथ फोटो वगैरह खिंचवाते फिर निकलते हैं दीघा के लिए। भाई ये जो जंगल है ना इसमें हाथी अगर अभी निकलता है और ये सीधा अगर जाएंगे तो उड़ीसा बॉर्डर भी चला जाएगा, बेलदा भी चला जाएगा, और आगे से घूमना पड़ेगा हमें। ये देखो हाथी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई हाथी अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकलता है तो हम पहले बेलदा जाएंगे, बेलदा होके फिर हम जाएंगे दीघा। अभी थोड़ा सा हम लोग रुके हैं, बाथरूम वगैरह करना था, काफ़ी देर से भाई प्रेशर लगा हुआ था, रुके थे कि भाई चलो आगे करेंगे आगे करेंगे, लेकिन भाई ये जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो हम सोचे अब कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। हाँ भाई ये देखो बसरा घाट स्वर्ण रेखा ब्रिज के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ये बसरा घाट स्वर्ण, क्या बोले, स्वर्ण रेखा ब्रिज है, देख सकते हैं काफी बड़ा ब्रिज है भाई। और अपना जो दीघा का सफर है ना सिर्फ और सिर्फ 85 किलोमीटर बचा हुआ है, 85 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे दीघा।
और भाई आज दीघा पहुंचने में रात हो जाएगा क्योंकि यहीं पे बज गया 4:30। तो देखते हैं गाड़ी अगर खाली करके दीघा पहुंचेंगे। एक्चुअली गाड़ी गाड़ी कहाँ पे खाली करना, क्या नाम है? बेल्ला। बेल्ला खाली करके फिर वहां से 70 किलोमीटर दूर पड़ेगा हमको, जहाँ जाना 70 किलोमीटर वहां से पड़ेगा दीघा। तो चलिए फटाफट अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, सफर पे कंटिन्यू है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमको पहुंचना था। अभी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर वाला। क्या हुआ है? ये ड्राइवर सही है ना भाई? भाई भयंकर एक्सीडेंट हो गया मछली गाड़ी का, अभी तुरंत हुआ है। टायर फटने की वजह से हुआ है, टायर फटने की वजह से। आसनसोल गाड़ी है। ए ड्राइवर सेफ है ना? अभी तुरंत हुआ है भाई, तुरंत हुआ है। टायर फटने की वजह से हुआ है। और ये देखो टायर फट गया है, अभी भयंकर एक्सीडेंट हुआ भाई, तुरंत हमारे सामने। ये देखो पूरा मछली अगर गिर गया यहाँ पे। चलो जो हुआ हुआ, ड्राइवर सही है ना? ड्राइवर कुछ नहीं ना हुआ है? नहीं, ड्राइवर कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ। तो अभी दादा निकल रहा अंदर से। भाई टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों को दिखाया कितना भयंकर टायर फट गया है। पूरा गाड़ी मछली लोड था। चलिए सबको यहाँ पे सबको हेल्प करवा दिया जाएगा, जितना भी है सबको हटवा दिया। हाँ, पता हमारा गाड़ी यहीं पे था और ये अचानक से हम देखे पलट गया और एकदम भयंकर तरीके से हुआ है। ठीक है, टायर पूरा फट गया है, ये देखो। तो भाई ड्राइवर हमारे सेफ है, सबसे बड़ी बात ये है। और किसी को यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना में कोई भी लोग घायल यहाँ पे नहीं हुआ है। सोच लीजिए खाली रोड था, हम यहाँ पे गाड़ी ऐसे तुरंत घुमाए, यहाँ पे खड़ा किए और ये भैया पीछे से आ रहे थे। और किधर से आ रहे थे आप? इधर से आ रहे थे, अचानक से भाई का टायर ब्लास्ट हो गया और बहुत खतरनाक सीन था, बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। लेकिन कुछ भी किसी को हुआ नहीं, सब कोई सेफ है, गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस शीशा टूटा है। गाड़ी सीधा कर दिया जाएगा, माल को साइड कर दिया जाएगा। चलो धरो ना, मैं भागा भागा धो ना। भाई ये दीघा से मछली लोड करके आ रहा था, अब पता नहीं कहाँ पे जा रहा था लोड करके, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना पता है दीघा से मछली लोड करके आ रहा था और इसे बहुत महंगा महंगा वाला मछली भी इसमें है। बस शुक्र मारा भाई, किसी को कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है, ये देखो पॉम्पलेट है, हिलसा है, मतलब बहुत महंगा महंगा से मछली है। तो सबको यहाँ पे लग के से हेल्प करवा रहे हैं, यहाँ पे साइड करवा रहे हैं। कहाँ का माल था? आसनसोल जाना था तुमको? अच्छा अच्छा, तो भाई को जाना था आसनसोल। देख रहे हो भाई यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल हैं, तुरंत हेल्प करवाने लगे यहाँ के लोग। मछली कोई भी नहीं छू रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करवा रहे हैं सबको ही मिलकर। यहाँ पे देखो जितने लोग हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, सबको हेल्प करवा रहा है। देख लो ये होता है ईमानदारी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सब लोग हो जाए ना तो काफी मजा आएगा। कहीं कहीं पे अगर ये अगर कहीं और होता ना तो हमको नहीं लगता सब लूट लेते, लूट के भाग गया होता मछली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं भाई, सबको ही मिलके हेल्प करवा रहे हैं, सबको गाड़ी साइड करवाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। हमारे यहाँ दो सब्सक्राइबर मिल गए हैं, भाई लोग हैं, भाई भी वीडियो देखते हैं और भाई वीडियो देखते हैं। और एक अच्छा बात है, तुरंत यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है पुलिस है वो तुरंत आ गए यहाँ पे। और तुरंत पहुँचने के बाद जो मछली अगर है वो साइड तो पब्लिक कर ही रहा था और बाकी सर आए तो तुरंत बोले कि भाई जल्दी जल्दी गाड़ी को यहाँ से हटवाना है और मछली अगर फटाफट साइड करवाओ। किसी को भी लूटना नहीं है मछली। ठीक है, हमको लगता नहीं है कि अगर बंगाल छोड़ के कोई और जगह होता तो मछली यहाँ बसता, मछली सबको लूट लिया होता।
ऐसा हमको ऐसा लगता है क्योंकि सब्जी गाड़ी पलट जाता है बहुत जगह देखा भाई, लूट लेता है। एप्पल गाड़ी पलट जाता है लूट लेता है, तो मछली कोई छोड़ेगा? वो तो सामान चल रहा है तो ठीक है चलो भाई, लेकिन अगर और कहीं हुआ होता तो हमको नहीं लगता भाई छोड़ता, सामान हो कुछ भी हो सब खा जाता मछली। ये देखो ये जो मछली है देख रहे हो भाई, ये है 1,500-2,000 रुपए किलो वाला मछली, 2,000 रुपए किलो वाला मछली है, इलिश माछ ठीक है, काफी महंगा है। और वो देखो वो भी हिलसा मछली है, वो भी भाई 1,500-2,000 रुपए किलो वाला मछली है, वहाँ पर जो रखा हुआ है। ये चार पीस मछली का दाम कम से कम 5,000 रुपए होगा, 5,000 रुपए भाई। तो ये भाई 1,500 रुपए किलो वाला मछली देख सकते हैं। ये देखो ये वाला जो मछली है, ये है प्योर हिलसा दीघा वाला, और ये काफी महंगा है। लेकिन यहाँ पे एक ईमानदारी अच्छा लगा कि कोई भी एक भी मछली छुआ नहीं है, ठीक है, जो भी मछली था सबका पैक हो चुका है, साइड में रखा दिया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं, जो भी कार्रवाई होगा, गाड़ी पलटा है तो भाई लाइसेंस अगर चेक होगा, जो भी होगा उनका वो डिमांड है, वो जो करना होगा करेंगे, उनके विषय में कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो काम है वो तो काम होना ही होना है। टायर फटने से भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए काफ़ी सावधानी से गाड़ी चलाओ। और अगर मछली में सब्जी में गाड़ी चलाना है ना भाई, तो न्यू टायर लगा के चलाओ, ठीक है। अगर टायर खराब है तो ऐसा टायर लगा के नहीं चलाना चाहिए। देखो ये टायर भी सही नहीं था, ये देख रहे हो, ये क्या मछली में चल पाएगा टायर? ये देखो ये टायर में गोटी है ही नहीं, गोटी एकदम ना के बराबर है, तो इसके वजह से ये दुर्घटना हुआ है। देख रहे हो, ये देखो गोटी इसका है ही नहीं है, तो ये टायर लेके अगर मछली में चलाओगे तो मछली में नहीं चल पाएगा गाड़ी। मछली हो चाहे सब्जी हो, बहुत भगा के मंडी देना पड़ता है, स्टेपनी में भी गोटी नहीं है, देखो ये देखो, ठीक है, तो कैसे गाड़ी चलेगा भाई? ये देखो एक टायर इसमें भी लगा, इसमें भी गोटी बहुत कम है, तो अगर ये नया टायर होता ना तो ऐसा दुर्घटना शायद नहीं होता। तो चलो पहले गाड़ी अगर सीधा करवाते हैं हम लोग सबको मिल के यहाँ पे। फिलहाल भाई अभी गाड़ी सीधा किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी को सीधा किया जा रहा है, उसके बाद दिखाते हैं गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है। तो फिलहाल तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसी वजह से हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि इतने लोग हैं भाई, लोग सबको मिल के हेल्प कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तभी तो आप लोगों को दिखा पाएंगे ना। ये देखो ओ भाई साहब, दोनों टायर फटा एक साथ, दोनों टायर फटा, मछली खा गया बोलो। नहीं एक टायर, ये वाला टायर उधर चला गया था, एक टायर फटा है, एक टायर फटा है। स्टार्ट नहीं होगा। मोबिल अगर निकल गया है, सुनो स्टार्ट करोगे इंजन का भी बैंड बच जाएगा। इसको खोलो पहले, देखो इसको खोलो, बुलेट खोलो, और काम नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है भाई, अब साइड लगा लो आराम से, जाओ 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 धीरे धीरे, पहले साइड लगा लो, जाओ जाओ। गाड़ी का तिरपाल ऐसा खोल दिया है, कुछ देर में गाड़ी अपना हो जाएगा खाली, देख सकते हैं। तो चलिए गाड़ी अगर फटाफट खाली करते हैं, भाड़ा लेते हैं, फिर दीघा के लिए निकलना है। यहाँ से हमको दीघा ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, 30-40 किलोमीटर नहीं यार 70 किलोमीटर पार्टी ने बोला, तो यहाँ 70 किलोमीटर दूर दीघा पड़ेगा। उधर से अपना लोडिंग है, अब देखते हैं क्या लोडिंग होता है, मछली पान बहुत सारा चीज़ें वहाँ से निकलता है, नारियल पानी, देखते हैं क्या लोडिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गाड़ी खाली करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो पहले हम थोड़ा जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लगाए। हाँ जी भाई लोग, गाड़ी अगर खाली कर लिया, खाना अगर हो चुका है, भाड़ा अगर मिल चुका है, आपसे पूछते हैं भाड़ा कितना लगा, वीडियो में भाड़ा बताया करिए। तो भाड़ा लगा था भाई टोटल 19,000 रुपया, जिसमें से कमीशन 1,000 किसी और को देना पड़ा था,
और 18,000 रुपये में से फिर एक आदमी को और देना है 1,000 रुपया, मतलब 19,000 में 2,000 कमीशन, टोटल हमारे जेब में कितना है 17,000 रुपया। सो दीघा से कल अपना लोडिंग है, सुबह जाएंगे दीघा। आज जाने वाले थे यहाँ पे, गाड़ी जो एक्सीडेंट हो गया है उसके वजह से अभी नहीं जा पाए। अभी एक रिलायंस पेट्रोल पंप पे बस सोएंगे और यहाँ से निकलेंगे मॉर्निंग में 5 या 6 बजे, ठीक है। सो फिलहाल मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक लेट बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।